जब से छोटे भाई ने चरवाहा विद्यालय वाले बड़े भाई के साथ गलबहियां कर दिन दहाड़े जनादेश का अपमान करते हुए सरकार बनाई है और माननीय चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री बनाया है, तब से शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है। अब तो हद ही हो गई। माननीय मंत्री जी के आप सचिव को विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी सतही स्तर पर उभर कर सामने आ गई, तब तो विभाग का भगवान ही मालिक है। अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। सुशासन बाबू, इस पर कोई ध्यान नहीं? ध्यान भी कैसे हो, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना मन के अंदर संजो कर बैठे हैं और विपक्षी एकता का राग अलाप रहे हैं। चरवाहा विद्यालय वाले अचारा घोटाला करने वाले लोगों के दिल से मिली गलबहियां आज किस स्तर पर पहुंचा दिया है। यहाँ के नौजवानों ननिहालों को जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, शिक्षा मंत्री जी को उस पर ध्यान नहीं है। युवा पीढ़ी को आप किस तरह से यहाँ के शैक्षणिक वातावरण, यहाँ के शिक्षक के साथ जो पाप कर रहे हैं, उस पाप का फल फलीभूत होगा और आने वाला दिन में इसकी सजा मिलेगी। शिक्षा मंत्री जी, आप यहाँ के प्रतिभा का अपमान किए कि यहाँ गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का प्रतिभा नहीं है, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। आपके इस तरह के अपमान बिहार की जनता के हृदय में सूल के तरह चुभ रहा है और आप जैसे लोग शिक्षा विभाग के मंत्री के योग्य नहीं है।